मध्य प्रदेश में जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर और शिवपुरी के बाद कोरोना वायरस ने मंगलवार रात इंदौर और उज्जैन में भी दस्तक दे दी है। प्रदेश में एक साथ 5 नए केस सामने आए हैं। उज्जैन में महिला की पॉजिटिव रिपोर्ट मिलने के बाद जिला प्रशासन ने आगामी आदेश तक शहर में कर्फ्यू लगा दिया। वहीं इंदौर के हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने बुधवार दोपहर कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया। जिला प्रशासन द्वारा तत्काल प्रभाव से इंदौर जिले में कर्फ्यू की घोषणा की गई है। दोपहर 2 बजे के बाद से वो कोई भी सड़क पर ना निकले, सभी घर के अंदर रहें और अत्यावश्यक वस्तुओं की सेवाओं के लिए सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। कल से इसी समय के अनुसार लोग आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी कर सकेंगे। यथासंभव लोग घरों में ही रहें। ऑनलाइन सप्लाई के माध्यम से या फ़ोन पर कॉल करके यदि वो आवश्यक वस्तुओं की सामग्री की खरीदी कर सकते हैं तो वो प्रेफरेबल रहेगा। जो कर्फ्यू के जो ऑर्डर्स हैं, कोरोना के कंट्रोल के संबंध में जो सोशल डिस्टेंसिंग के ऑर्डर हैं उनका पूर्णतः पालन करना है। कोई भी व्यक्ति अगर सड़क पर निकले तो मास्क लगा करके निकले और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। यहाँ तक कि जो आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी में यदि आप राशन दुकानों पर जाते हैं, सब्जी की दुकानों पर जाते हैं तो एक पर्याप्त दूरी बना करके रखें। इसके लिए सभी राशन दुकानों से भी, उनके जो वेंडर्स हैं उनसे भी बात की गई है ताकि वो अपने दुकान के बाहर पर्याप्त दूरी के चिन्ह निर्धारित कर दें ताकि लोग एक पर्याप्त डिस्टेंस के साथ ही दुकानों में आकर के खरीदारी कर सकें। कर्फ्यू के आदेशों का कड़ाई से पालन करना है। दोपहर 2 बजे के बाद से सभी दुकानें बंद हैं। किसी प्रकार से लोगों को बाहर आने जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल मेडिकल आवश्यकताओं के लिए मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। जो लोग अत्यावश्यक वस्तुओं की सेवाओं के वस्तुओं के निर्माण या उनके परिवहन या उनकी सप्लाई से संबंधित सेवाओं में हैं, जिनको एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में रखा गया है, जिसमें शासकीय सेवाओं के लोग भी हैं और साथ ही फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े हुए लोग, हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए लोग, सिक्योरिटी सेक्टर से जुड़े हुए लोग जिनको एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में रखा गया है, वे इन सेवाओं के प्रदाय के लिए जिस भी कार्य में लगे हुए हैं वो इस कर्फ्यू से एग्जेम्प्टेड रहेंगे। उनके आने जाने को लेकर के इसमें बाधा नहीं रहेगी, परंतु आवश्यक ये है कि वो अपने ID कार्ड्स जरूर से कैरी कर सके ताकि उनको अन्य लोगों से अलग किया जा सके। लोगों से ये अनुरोध किया जाता है कि कर्फ्यू के आदेशों में सड़क पर दिखाई ना दें, घर में रहें, ऐसे निर्देश हैं। ऐसे में अनिवार्य रूप से घर में रहने के आदेश का पालन करें, गलियों पर भी मौजूद ना रहें। सभी के स्वास्थ्य को देखते हुए, सुरक्षा को देखते हुए कर्फ्यू के आदेशों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य किया गया है। कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव ने इंदौर शहरी सीमा में कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी कर दिए। इस आदेश के तहत पूर्णतः बंद रहेगा। आवश्यक खाद्य दुकानों में किराना, मेडिकल आदि 26 मार्च से सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक ही खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप और अन्य आवश्यक निर्माण इकाइयां जैसे मास्क, सैनिटाइजर, पेट्रोल पंप, परिवहन चालू रहेगा। इसके अलावा आवश्यक सेवा चालू रहेगी। कर्फ्यू का आदेश अनिश्चितकालीन है। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए हम लोगों ने 23 दिन को एक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया था, जिसमें बहुत विशिष्ट निर्देश दिए गए थे और जिसका सबसे प्रमुख उद्देश्य यही था कि हम लोग ऐसे हर उपाय अपनाएं जिससे कोरोना के संक्रमण को हम लोग रोक सकें। इसी बीच कल देर रात को हम जो कुछ स्वैब लिए गए थे उसके हमारे पास रिपोर्ट्स आए हैं, जिसमें 5 पेशेंट्स हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। उन 5 पेशेंट्स में से 4 पेशेंट हैं वो इंदौर के हैं और 1 हैं वो उज्जैन के रहवासी हैं। अब चूंकि परिस्थितियां बदल चुकी हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को अनिवार्य करना, सख्ती से लागू करना सबसे इस वक्त की तात्कालिक सबसे अहम आवश्यकता है। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोक स्वास्थ्य और लोक शांति को सुनिश्चित करने के लिए CRPC 144 अंतर्गत हम लोगों ने इंदौर नगर निगम क्षेत्र में कर्फ्यू का आदेश जारी किया है, जिसके अंतर्गत सभी तरह के वाहनों का उपयोग है वो प्रतिबंधित किया गया है। लोगों से अपील है कि अपने घरों में रहें, अपने घरों से बाहर ना निकलें। जो सारे शॉप्स हैं वो तात्कालिक रूप से हम लोग बंद करा रहे हैं और किसी भी तरह के वाहन, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, साइकिल हो, कार हो, किसी भी तरह की गाड़ियां हो, उनको हम लोगों ने पूरी तरह से प्रतिबंधित किया है। कुछ आवश्यक सेवाएं हैं जिनको हम लोगों ने इस कर्फ्यू ऑर्डर से छूट दी है, जिसमें जितने भी हमारे ड्रग्स, फार्मा इंडस्ट्रीज हैं या इन इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल बनाने वाली जो कंपनियां हैं या औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, उसमें लगने वाले वाहन और उसमें काम करने वाले कर्मचारियों को हम लोगों ने छूट दी है। इसके साथ साथ जितनी भी प्रतिष्ठान हैं या औद्योगिक इकाइयां हैं जो खाद्य पदार्थ का निर्माण करती हैं,
चाहे वो दाल हो या अनाज हो या पेयजल हो, इस तरह के जो प्रतिष्ठान हैं उसको भी हम लोगों ने एग्जम्पशन की कैटेगरी में रखा है। हमारे समस्त शासकीय और निजी चिकित्सालय में जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, पैरामेडिक स्टाफ काम कर रहा है, कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो भी एग्जेम्प्टेड रहेंगे। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था के उद्देश्य से जितने भी अधिकारी हमारे काम कर रहे हैं या अन्य शासकीय कार्य संपादित कर रहे हैं, उन्हें भी हम लोगों ने इस आदेश से छूट पर रखा है। लोगों से विनम्र अपील है, आग्रह है, मैं पुनः स्पष्ट करना चाहूंगा कि 4 केस इंदौर के रहने वाले कोरोना से पॉजिटिव जरूर आए हैं, परंतु उनकी हालत बहुत स्टिल है, बहुत स्टेबल है, स्थिर है, और हमारे वरिष्ठ डॉक्टर्स की टीम है वो लगातार उनसे संपर्क कर रही है, उनकी देखरेख कर रही है। इसके अतिरिक्त जो पॉजिटिव केसेस थे उनके घर के जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, जो प्राइमरी कॉन्टेक्ट की श्रेणी में आते हैं, उनकी भी हम लोग स्क्रीनिंग तात्कालिक रूप से करा रहे हैं। किसी भी तरह से डर, अफवाह या भ्रम की स्थिति नहीं है, ना ही इस तरह की खबरों पे लोग विश्वास करें। वर्तमान में पॉजिटिव केसेस जरूर आए हैं, परंतु उनकी स्थिति स्टेबल है और स्थिति में सुधार भी होगा। मंगलवार की रात में आई रिपोर्ट में इंदौर में 4 और उज्जैन में 1 मरीज के कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसमें से 4 का इलाज निजी अस्पताल में जारी है। वहीं उज्जैन निवासी पीड़िता इंदौर के एमवाई अस्पताल में भर्ती है, जिसकी अभी मृत्यु हो चुकी है। अब मध्य प्रदेश में कुल 14 लोग इससे संक्रमित है। इनमें जबलपुर में 6, भोपाल, ग्वालियर और शिवपुरी में 1-1 पॉजिटिव मरीज शामिल है। रिपोर्ट एक्सपोज टुडे।